टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास इंडियन आर्मी ने ट्रैक्टर्स की सरगर्मियों को बहाल करने की खातिर इकदाम लेना शुरू कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर चले आने की वजह से ऐसा होता मुमकिन नजर आ रहा है, जिसको मुकामी ट्रैक्टर्स ने एक अच्छा शगुन करार दिया है। आज मैं यहाँ पर ट्रैकिंग करने आई हूँ। मुझे ट्रैकिंग करने का शौक़ था और मैंने बहुत सारा इन्जॉय किया। अब मैं बॉर्डर विलेज पे अभी ट्रैकिंग करने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार करती हूँ जिन लोगों ने मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने आज इस ट्रैकिंग का हम एक हिस्सा बन गए और हम इंडियन आर्मी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इतना मौका दिया यहाँ पर ट्रैकिंग करने का। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जीपी पंत अस्पताल में बच्चों की निगहदाश्त वाले यूनिट को श्रीनगर की बीमीना लोकेलिटी में शिफ्ट कर दिया है। गवर्नमेंट का ऐसा करने का मकसद एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम जैसे टेस्टों की सहूलत फराहम करना है। इसके साथ साथ माहिर डॉक्टरों की तैनाती भी हो चुकी है। Yeah.
यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी पब्लिक को मिलेगी जिसके लिए हमारे कश्मीर के लोगों को स्पेशली यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ या कि एम्स दिल्ली में जाना पड़ता था, वो एक रूफ के नीचे वो सारी फैसिलिटी पब्लिक को यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। वो सारी स्पेशलिटी डेवलप होगी हो जाएंगी, जैसे न्यूरोलॉजी है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, पेडियाट्रिक सर्जरी है, हेमाटोलॉजी है, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम बात करेंगे जीबी पंत की, वहाँ पे भी अच्छी रिक्वायरमेंट्स थी, पेशेंट्स का इलाज होता था वहाँ पे भी, लेकिन अगर हम वहाँ की बात करेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन थी। कंजेशन के लिहाज से यहाँ पे जो है यहाँ बहुत अच्छा है उस हिसाब से, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर बेड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जैक्टली जो पिछला हॉस्पिटल था वो थोड़ा छोटा ही था, वहाँ पे उतनी अकोमोडेशन भी प्रॉपर नहीं थी। ये जो हॉस्पिटल बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 500 बेड, इट मीन्स अ लॉट। यहाँ पे हर किसी को अच्छी से फैसिलिटी मिलेगी, टेक्नोलॉजी, और स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फायदा मिलेगा, नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और सीखने के लिए भी अच्छा है, और पेशेंट्स को भी अच्छा फायदा यहाँ से मिल सकता है। मार्शल आर्ट की एक किस्म पैनकेक साइलेट में श्रीनगर की एक लड़की अक्सा गुलजार ने मलेशिया में होने वाली चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आइए हम आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। मैंने जब एट द एज ऑफ 7 में मार्शल आर्ट स्टार्ट किया है। मैं पहले मिक्सड मार्शल आर्ट्स खेलती थी,
तो वो मैंने खेला है 5-6 साल तक, और उसके बाद मैंने देखा कि इसमें कोई स्कोप नहीं है जो मैं मार्शल आर्ट्स खेल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर भी देखना था अपने जो मैं मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ। तो उसके बाद मैं मिली इकबाल सर से, जो कि CEO है पेंटिक साथ फेडरेशन के, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने इसमें कई स्टेट खेले हैं, 4-5 स्टेट खेले हुए हैं मैंने, डिस्ट्रिक्ट 4-5 खेले हुए हैं, और नेशनल मेडलिस्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2 times। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इस कंपटीशन में आने के लिए। इससे पहले इनको काफ़ी अलग अलग स्ट्रीमों से जाना पड़ा, जैसे इन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, काफ़ी सालों से पेंच एक्सल आर्ट गेम खेल रही है, और लास्ट ईयर जब ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट से निकल के नेशनल भी खेली, नेशनल में भी इनके गोल्ड मेडल है, आप देख सकते हो उनके सर्टिफिकेट्स मेडल्स। तो वहाँ से जब ये क्वालिफाई होगी, इस साल लकीली वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ट्रायल्स थे एंड शी गॉट क्वालिफाइड फॉर द ट्रायल्स। उससे पहले जो नेशनल और फेडरेशन कप था, उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और उसके बाद ऑन द बेसिस एंड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ नेशनल एंड फेडरेशन कप शी गॉट सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड बेंच एक्सल आर्ट चैम्पियनशिप। सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर एक आर्ट कंपटीशन 27 का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद स्कूल के तलबा तालबात के अंदर मुनशियात के खिलाफ मुहिम को उभारना था। इस आर्ट मुकाबले को इंडियन आर्मी और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने सपोर्ट किया था। इसमें 300 से ज्यादा तलबा तालबात ने हिस्सा लिया। आज का हमारा आर्ट कंपटीशन है, इसका मोटिव ये है कि टूरिज्म वीक चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस मौजू पे कंपटीशन का किया जाए कि इनको पता हो कि टूरिज्म क्या है। एज यू नो हमारी इकोनॉमी 50% इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, एंड मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जानते हैं कि ड्रग्स का लेवल बहुत हाई है, तो अपने बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, ड्रग्स से दूर रखना, इसके लिए हमने ये को रिलेट करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आज जो ये इवेंट हो रहा है, ये इंडियन आर्मी और कुछ NGOs जो चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की कोलैबोरेशन में हो रहा है। इसमें पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है ड्रग अब्यूज़ पे, बेसिक थीम्स ड्रग अब्यूज़ और टूरिज्म है, उस पे पेंटिंग कंपटीशन जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स का हो रहा है। ये एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, इसमें टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सब मिल के जो इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है। Art competition, we had two topics,
One was drugs menace to society, and the second one was tourism of Kashmir. Both the topics were wonderful. काफ़ी अच्छी लेवल पे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन दिखाई है और जो टॉपिक्स है यहाँ पे बहुत मतलब सोसाइटी से रिलेटेड ही है, जो भी सोसाइटी में ईवल्स हो रहे हैं उसके खिलाफ है, और अपनी पेंटिंग से वो एक अवेयरनेस फैलाएंगे पूरे यूथ में कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जैसा आपने देखा होगा, और एक एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, तो इट्स वेरी नाइस। हाल ही में डेंटल साइंस के हवाले से श्रीनगर में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका इंतजाम जम्मू कश्मीर ब्रांच ऑफ इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने किया था। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर ने भी इस कॉन्फ्रेंस में अपना तआवुन पेश किया था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद डेंटल साइंस के शोबा को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना था। जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें आपको पता है मतलब डेंटल सेक्टर में हर आए दिन नई नई चीज़ें आ रही है। तो जैसे लेज़र, वो हमारा नया है, और एंडोडोंटिक्स में हमारे बहुत सारे नए नए लाइक टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। हमने वो प्री कॉन्फ्रेंस में वो मतलब हमने कोर्सेज किए थे प्री कॉन्फ्रेंस में, इसीलिए ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है दे विल कम टू नो अबाउट इट। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज कश्मीर में ऐसे इनिशिएटिव्स कम होते हैं। सो वॉट दिस कॉन्फ्रेंस डज इज इट ब्रिंग्स ऑल द डेंटिस्ट टुगेदर ऑन वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो इससे ये हो जाता है कि यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग न्यू टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बिकॉज फ्रेशर्स अभी बिल्कुल रॉ होते हैं। सो व्हेन दे सी द सीनियर्स, उनके पेपर प्रेजेंटेशन, सो दे गेट टू लर्न अ लॉट, एंड वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाते हैं मोर टूवर्ड्स डेंटिस्ट्री। सो या दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पर्सपेक्टिव।
very important because as a student myself, I have started to learn a lot of things just because of the conference right now. And yahan pe bahut there is no people don't know about dentistry that much. They don't appreciate the dental sciences that much. They don't know about how much a dentist can help them in their health. How can dental health is important for them. So these conferences is very important for. At least for everyone to understand कि कितना important होता है यहाँ पे आप इन platforms के through लोगों तक information पहुँचा सकते हो. आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन.